नमस्कार। नए ठेकेदार बनना चाहते हो, गांव से हो या शहर से, कम पूंजी के मालिक हो या ज्यादा पूंजी के, ठेकेदारी शुरू करने के लिए आपको ये 5 टिप जरूर माननी चाहिए। जब तक आप इन 5 टिप्स को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छे ठेकेदार, सक्सेसफुल ठेकेदार या सक्सेस ठेकेदार नहीं बन पाओगे। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। अब आपके पास क्या नॉलेज है, किस चीज के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, उस नॉलेज के ऊपर भरोसा करो। किस्मत पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। हाँ, मैं मानता हूं किस्मत कोई चीज होती है। बहुत से लोग किस्मत पर ज्यादा भरोसा करते हैं, मगर जिन जिन लोगों ने सफलता पाई है, उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर सफलता पाई है, किस्मत को उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी दी है। मैं कहना चाहूंगा आपको, आप भी किस्मत को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए। दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखिए। जब तक आप इसको फाइट नहीं करेंगे, देखिए, जंगल में शेर और हिरण दोनों पेट के लिए दौड़ते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ते हैं। शेर यदि हिरण से ज्यादा तेज नहीं दौड़ेगा तो भूखा रह जाएगा, और हिरण यदि शेर से ज्यादा नहीं तेज दौड़ता है तो क्या होगा, मर जाएगा, मार दिया जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा, इस संसार में आप अपनी काबिलियत के भरोसे पर दौड़िए। जब तक आप काबिलियत के भरोसे पर नहीं दौड़ेंगे, केवल अकेले किस्मत के भरोसे दौड़ेंगे, तो वो सफलता नहीं पा पाएंगे आप जो आपको पानी चाहिए। सॉरी। अपनी कमी पर काम करो। आपके अंदर क्या कमी है, एक एक कमी को निकालने की कोशिश कीजिए। मुझे ये नहीं आता, क्यों नहीं आता मुझे, मैं सीखूंगा, आई कैन डू इट। यदि आप ये विचार रखेंगे, मैं सीखूंगा, किससे सीखूंगा, जो आपके पास नजदीक में है, सबसे पहले आपके पास सामने आता है, उससे पूछ लीजिए। डरिए मत, कोई चिंता मत कीजिए। वो नाराज हो जाएगा, वो खींच जाएगा, वो मुझे बेवकूफ कहेगा, वो कुछ कहेगा कि इसे कुछ आता नहीं। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए उसको, और पूछेंगे आपका नॉलेज पुष्ट हो जाएगा, और जब नॉलेज पुष्ट हो जाएगा तो उस एक चीज से आपको छुटकारा मिल गया। इसलिए अपनी कमी को पहले पूछो, क्योंकि इतने बड़े चांद में लोगों को दाग पहले दिखाई देता है। कितना बड़ा है चांद का घेरा, और उसमें पूछते हैं ना, बोले चांद में भी दाग होते हैं, वो कमी को देखते हैं पहले। तो आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। जो कमियां आप में हैं, पहले उनकी पूर्ति कीजिए। आप अच्छी सोच, ध्यान से सुनिए, आपकी थ्रोट अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा समय, या यूं कह सकता हूं सही समय और सही तरीका, इन तीन चीजों की मदद से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। अच्छी सोच, अच्छा समय या सही समय और सही तरीका, इन तीन चीजों से कोई भी आदमी सफल हो सकता है, फिर आप क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों, ठेकेदारी बिजनेस, इसमें लोगों की निंदा से परेशान होकर आप अपना रास्ता ना बदले। लोग कहेंगे ठेकेदार ऐसे करते हैं, ठेकेदार वैसे करते हैं, ठेकेदार ये करते हैं, ठेकेदार वो करते हैं। आप उनको जवाब दो, हाँ ठेकेदार करते हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट आपने बनाया है क्या, वो ठेकेदारों ने बनाया है। ये जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, पुलिये हैं, ये आपने बनाए हैं क्या, ठेकेदारों ने बनाए हैं, जवाब दीजिए आप। मैं कहता हूं दावे के साथ, आपके गांव में जो पानी का ओवर हीट टैंक है, वो किसने बनाया है, ठेकेदारों ने बनाया है। आपके घर के आगे जो रोड है, वो किसने बनाई है, ठेकेदारों ने बनाया है। क्यों नहीं जवाब देते आप, क्यों सुन लेते हैं लोगों की। लोग कहेंगे कुछ, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए मैं कहूंगा, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलिए, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से आती है। और साहस कैसे आएगा आप में, जब आपको नॉलेज हो जाएगा, किसी बात के बारे में जानकारी हो जाएगी। डर किसका नाम है दोस्तों, डर नाम अंधेरे का है, डर नाम अनभिज्ञता का है, डर नाम नॉलेज नहीं होने का है। जब आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आपको आपका ये डर भी भाग जाएगा। ये तीन मंत्र
जीवन में याद रखिए आप जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहला, आनंद में किसी को वचन मत दीजिए। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, अपने साइट पे बहुत ज्यादा खुश हैं, मान लीजिए आपको अच्छा वर्कलोड मिल गया, आपने किसी को कह दिया चलो मिस्त्री जी मैं आपका अगली बार प्रमोशन कर दूंगा, समस्या गले आ जाएगी। मिस्त्री काम करना बंद कर देगा, ढंग से काम करना बंद कर देगा। एक दिन आपको उस मिस्त्री को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने आनंद में उसको वचन दे दिया। दूसरा, क्रोध में किसी को उत्तर मत दीजिए। मान लीजिए आपके साइट पे अधिकारी आए हुए हैं और उनके सामने उन्होंने कोई सवाल किया, तो आप जवाब मत दीजिए। उन्हें कहिए कि सर मैं अभी गुस्से में हूँ, मुझे गुस्सा आ गया आपकी बातों से, इस बात का जवाब मैं कल दूंगा आपको, और कल आप प्रॉम्प्ट उत्तर देंगे, सही उत्तर देंगे। और तीसरा, जब आप डिफिकल्टीज में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तो कभी कोई अच्छा डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि परेशानियां आपको नेगेटिव सोच की बना देती हैं, और जब नेगेटिव सोच आसपास में होती है तो आदमी नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव ही करता है। दोस्तों, हम मोहताज नहीं है किस्मत के, हम अपने दम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करेंगे, ये सोच आप रखिए। जब तक आप ये सोच नहीं रखेंगे, केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए, मत कीजिए। मैं कहता हूं किस्मत कुछ होती है, समथिंग इज लाइक लक, मगर सब कुछ लक नहीं है। इसलिए लक के भरोसे मत बैठिए, अपने हाथों के दम पर, अपनी भुजाओं के दम पर, अपने पौरुष के दम पर, अपने पेशेंस के दम पर, अपने नॉलेज के दम पर बहुत कुछ कर सकते हो आप, और लोगों ने किया है। बहुत गरीब परिवारों के लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्क करके, अच्छी अच्छी ठेकेदारी करके दिखाया है दुनिया को, आप भी कर सकते हैं। नमस्कार।